नमस्कार, मैं अश्वनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं मानवीय एवं नैतिक मूल्यों से संबंधित पुदुचेरी के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मूल्यों पर आधारित कहानी, वैल्यू एडेड स्टोरीज। यह एक ऐसी गतिविधि है जो छात्रों में नैतिक और मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर केंद्रित है। इस गतिविधि में शिक्षक छात्रों में ऐसे मूल्यों को विकसित करते हैं जो छात्रों को समाज में अनुचित प्रभावों के शिकार होने से बचाते हैं। कहानी छात्रों में रचनात्मकता का एक बीज रोपित करती है और उनमें बेहतर कल्पना करने की क्षमता का विकास करती है, जो छात्रों को भविष्य के आगे की ओर प्रगतिशील दृश्य के निर्माण में मदद करती है। इस गतिविधि में शिक्षक छात्रों को कहानी के माध्यम से मानवीय एवं नैतिक मूल्यों के बीज को रोपित करते हैं और छात्रों को मानवता और नैतिकता के विषय में समझाते हैं। इस गतिविधि को शिक्षक दो माध्यम से कराते हैं, एक तो कहानी कहना और दूसरा कहानी बोलना। इस वीडियो में मैं आपको कहानी कहने पर आधारित इस नवाचार को बताऊंगा। शिक्षक सबसे पहले सभी छात्रों को जो भी पाठ या विषय पढ़ाते हैं उनमें अगर कोई नैतिकता से संबंधित बात है या फिर मानवीय मूल्यों से संबंधित कुछ भी तथ्य है तो शिक्षक उसको जरूर से छात्रों के साथ साझा करते हैं। साथ ही साथ में शिक्षक इस गतिविधि में कोई काल्पनिक कहानी या फिर कोई वास्तविक कहानी जो मूल्यों पर आधारित होती है, नैतिक और मानवीय मूल्यों पर, उस कहानी को सभी छात्रों को सुनाते हैं। इसके साथ साथ में शिक्षक चित्रों के सहयोग से, कठपुतलियों के सहयोग से, इसके अलावा रोल प्ले के माध्यम से शिक्षक छात्रों को ऐसी रोचक और मूल्यों पर आधारित कहानी सुनाते हैं जिससे कि बच्चों के, छात्रों के एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके। शिक्षक छात्रों को जो कहानियां सुनाते हैं उसके साथ साथ में छात्रों को ये भी निर्देशित करते हैं कि इस कहानी से उनको क्या सीख मिली और अपने जीवन में वो इस कहानी से आगे की ओर कैसे अग्रसर होंगे। शिक्षक मानवता भरी कहानियां सुनाते हैं, मानवता भरी बातें करते हैं जिससे कि छात्रों के अंदर मानवीय मूल्यों का विकास हो। हम आशा करते हैं ये नवाचार आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप ये अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे। इसके दूसरे भाग को देखने के लिए आपसे निवेदन है, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया ZIIEI YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे Facebook पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।